हेलो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का वीडियो कुछ अलग ही लाए हैं। इस यह वीडियो है रिज्यूमे के ऊपर कि अधिकतर जॉब के लिए और फिर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना रिज्यूम सबमिट करना पड़ता है। रिज्यूमे ही आपके इंटरव्यू का सबसे मेन पहलू मायने रखता है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें और आपको बताएंगे कि ये रिज्यूम आप अपने MS Word पे सिंपली कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ यह फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा और यह फॉर्मेट डाउनलोड करके आप कैसे रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और आपको बता दें कि ये रिज्यूमे बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मेट है। नॉर्मली या जनरली कोई भी ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ये रिज्यूमे बनाने का ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको MS Word के बारे में नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS Word एक प्रोवाइड किया जाता है टूल्स जो हर एक ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये MS Word है और यहाँ पे आप सबसे पहले जब आते हैं तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हमको दिए जाते हैं, इसके माध्यम से ये बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ले करके और आपको जो ये रूलर है देखिए, इसको आप ड्रैग इधर उधर करेंगे तो ये ड्रैग होता रहता है, ठीक है ना। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या है, व्यू में जाना है और यहाँ पे आपको देखेंगे रूलर है, इसको हटाएंगे तो हट गया और इसको लगाएंगे, ये आपको सेटिंग करने में पेज को अच्छा मदद करता है। और साथ ही साथ ये जो लेआउट है यहाँ पे आप पेज का साइज आप चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मार्जिन है, कस्टम मार्जिन पे जा करके और आपको यहाँ पे मार्जिन का सेटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने तरीके से जो मार्जिन है ये लगा के ओके करके ये मार्जिन लगा सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद बॉर्डर लगाया जाता है चारों तरफ से, वो कैसे लगाएंगे तो ये आपको बॉर्डर मिलेगा इस डिजाइन के टैब में और पेज बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ये वाले सेलेक्ट करना है और ये बॉक्स वाले और यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 फीट यहाँ पे 1/2 का ये करके 1.5 फीट करके यहाँ पे ओके कर देना है और ये अप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये रिज्यूमे यहाँ पे लिखना पड़ता है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो साइज है आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कैलिबरी 16 रखना है और अंडरलाइन इसको यहाँ से करना है। फिर यहाँ पे जो नवीन है ये भी यहाँ पे बोल्ड करके और इसका जो साइज है आपको 40 रखना है और बाकी का जितने भी साइज है नीचे सबको 12 रखना है और स्टाइल जो है कैलिबरी ही रखना है। ये फर्स्ट वाले जो रहता है उसको बोल्ड करना है, बाकी को नहीं। उसी तरह से यहाँ पे इमेज कैसे लगाएंगे तो आपको बता दें कि इमेज लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। दो तरीका है, एक तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे जितना लेना है लेकर के यहाँ से आपको जा करके यहाँ से इमेज लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका इमेज है यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको बता दे कि दूसरा तरीका है कि इंसर्ट में ही जाना है और यहाँ पे जो शेप वाले ऑप्शन है इसमें जाके ये लेना है और जितना जहाँ पे लेना है उतना ड्रैग कर देना है और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसमें शेप फील्ड में जाना है, यहाँ पे चूज करना है इमेज यहाँ से और जो आपका इमेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दो तरीका है, इस तरीके से आप ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये डाल के इसका ईमेल आईडी ये जो वगैरह ये है डाल सकते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव में ये डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैपिटल रखना है। कैपिटल कैसे रखेंगे तो ये जो है इसको यहाँ पे है, इसको जैसे चाहेंगे देखिए स्मॉल हो गया उसके बाद कैपिटल, तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये टेबल इंसर्ट करके ये सारे डिटेल आपका जो एजुकेशन का है 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वो अगर है तो डाल सकते हैं। आप ये टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे तो आपको बता दें, इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल जितना लेना है देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आपको टेबल यहाँ से इंसर्ट किया जाता है और इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं जितना पे चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल लिख करके और ये सारे डिटेल डाल देना है नीचे, यहाँ पे डेट डाल के और सिग्नेचर डाल देना है। ये फॉर्मेट आप एक्चुअली MS Word पे अगर आप काम किए हुए हैं तो इजीली इस तरह से आप बना सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट में इस तरह से दिखाया। आप बताते कि आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए
और उसके बाद आप इस फॉर्मेट के जगह पे केवल आप अपना नेम चेंज कर देना, ये एड्रेस है तो आप डाउनलोड करेंगे तो इस एड्रेस पे आप अपना एड्रेस दे दीजिए, जो भी आपका एड्रेस रहेगा उस तरह से आप डाल सकते हैं। जो भी बाकी डिटेल है इस तरह से पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं राइट क्लिक करके। और यहाँ पे जो है फिल में जाके यहाँ पे इमेज पे कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाके यहाँ से इमेज पे क्लिक करके अपना रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरह से सारे डिटेल करके आप अपना लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये वर्ड फाइल मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो जगह से आप डाउनलोड करके ये फॉर्मेट अपना यूज कर सकते हैं रिज्यूमे के लिए। धन्यवाद।